आज हम बोरॉन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए हमारे पास एक बोरॉन ट्यूब प्रेशर गेज है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और पार्ट्स के बारे में समझेंगे आज। व्हाट इज बोरॉन ट्यूब प्रेशर गेज? ए बोरॉन ट्यूब प्रेशर गेज इज ए मैकेनिकल प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट रीड्स द प्रेशर विदाउट रिक्वायरमेंट एनी इलेक्ट्रिक पावर। इट इज जनरली यूज फॉर मेजरिंग ऑफ प्रेशर फ्रॉम 0.6 टू 700 बार और 8 टू 10,000 PSI में रेंज में प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं इसमें बोरॉन ट्यूब प्रेशर गेज में। अभी आएंगे उसका पार्ट्स और फंक्शन के बारे में। अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज। सी टाइप बोरॉन ट्यूब प्रेशर गेज, स्पाइरल टाइप बोरॉन गेज, हेलिकल टाइप बोरॉन गेज, ये थ्री टाइप का बोरॉन गेज जनरली यूज किया जाता है। तो हमारे पास एक सी टाइप का बोरॉन गेज है, उसको देखेंगे हम। ये देखिए एक बोरॉन गेज है, एक डायल लगा हुआ है, इस पर रीडिंग दिया गया है। PSI और KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट में इसको मेजरमेंट करते हैं प्रेशर को। ये देखिए डायल, ये देखिए इसका कवर है, ये इसका डायल है, दोनों को अलग अलग किया गया है उसको देखने के लिए, इसका अंदर का अंदरूनी पार्ट्स। ये देखिए ब्लैक वाला जो है PSI का है, ये ऊपर का जो है KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी हम उसका पार्ट्स देखेंगे। ये देखिए इधर इनलेट है, प्रेशर इधर इन करता है, इधर एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है। ये देख, ये एक सी टाइप का बोरॉन ट्यूब लगा हुआ है, ये कॉपर का है और ये ब्रास का है। ये ब्रास मेटल क्यों किया गया है, ये फ्लेक्सिबल मेटेरियल है, इसमें जब अंदर प्रेशर जाएगा ये बोरॉन ट्यूब अंदर के जाएगा, ये जो प्रेशर में जाएगा इसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ये बेंड किया गया है ना, वो उसको सीधा स्ट्रेट करने के लिए उसको चाहेगा। तो इसमें लिंक कनेक्शन किया गया है, देखिए इसमें एक लिंक कनेक्शन किया गया है, ये पाइवेटेड है, इधर पूरा कनेक्शन किया गया है। इसमें एक गियर लगाया गया है और ये इधर एक पिनियन है, ये छोटा वाला जो है ये पिनियन है और ये गियर है। ये क्या करता है, ये जब प्रेशर अंदर इसमें आता है तो इसको क्या करता है, ये बाहर खींचता है ऐसे। जब बाहर खींचता है ये लिंक क्या करता है ना, इसको गियर को इधर फॉरवर्ड इधर से खींचता है, तो ये गियर क्या करता है ना, ऐसे आगे पीछे होता है, तो पिनियन के क्या करता है, घुमाता है। तो पिनियन को घुमाता है तो पिनियन में नीडल लगा हुआ रहता है, उसको प्रेशर इंडिकेट करता है। ये कैसे मूव करता है एक बार देखेंगे हम। देखिए इसको, इसको मैं जब मैं घुमाऊँगा तो पता चलेगा। देखिए जब प्रेशर जाएगा तो ऐसे गियर को मूवमेंट करेगा। ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर, ये इधर स्ट्रेट होगा तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा तो ये गियर करेगा, क्योंकि ऐसे मूव करेगा तो ये पिनियन क्या करेगा, देखिए एक लाइन डायग्राम के मदद से समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो जो प्रेशर एंट्री करेगा तो ये प्रेशर इधर में भर जाएगा, ये क्या करेगा, जो प्रेशर इनका जो एक सी टाइप का है उसको क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, इसको ऐसे इसको खींचेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो लिंक है, लिंक क्या करेगा इसके अंदर, इसको ऐसे फॉरवर्ड कर मूवमेंट करेगा, ये ऐसे फॉर्म करेगा। तो ये इधर पाइवेट है तो ये क्या करेगा, ऐसे ये क्या करेगा ना, ये जो गियर है ऐसे मूवमेंट करेगा, ये मूव करेगा। तो ये इधर एक पिनियन है, वो पिनियन क्या करेगा, घूमेगा, इसके टीथ कनेक्ट है, ये करेगा तो ये कनेक्ट, ये घूमेगा तो इसके ऊपर एक नीडिल है, ये नीडिल क्या करेगा, ऐसे इंडिकेट करेगा कितना प्रेशर है। ओके, ये नीडिल है, बोरॉन ट्यूब है, ये लिंक है, ये लिंक की मदद से ये जो चेंज होता है उसका प्लेस चेंज कर देता है, तो ये मूव करेगा, मूव करने से उसको प्रेशर कितना है इंडिकेट करेगा। लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।